ये है बाजार। यहां हर कोई मस्त है, दुकानदार सामान बेचने में और ग्राहक खाने में। कूड़े को टाप कर आ रहे हैं, लेकिन कूड़ा डस्टबिन में डालने का समय किसी के पास नहीं। वैसे उपभोक्ता जागरूकता, अधिकार और कर्तव्यों की बात करेंगे, लेकिन यहां गंदा खाएंगे, गंदा बेचेंगे। किसी को परवाह नहीं है कि ये गंदा खाना उनके उपभोक्ता अधिकारों का कितना हनन कर रहा है। एक भी कदम इस कूड़ेदान की तरफ नहीं बढ़ रहा है। अरे ये बच्चे क्यों झगड़ रहे हैं? अरे ये क्या राजू, तूने कूड़ा यहाँ क्यों फेंका? डस्टबिन में नहीं डाल सकता? बंटी सभी तो फेंक रहे हैं, फिर मैं डस्टबिन में क्यों डालूं? बंटी राजू ठीक ही तो कह रहा है, यहाँ तो सब ऐसे ही चलता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा, तुझे अपनी प्लेट डस्टबिन में ही डालनी होगी। मैं नहीं डालूंगा, इस गंदगी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दुकानदार और हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अब तू कूड़ा डस्टबिन में ही डाल, कम से कम हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। नहीं मैं नहीं डालूंगा। नहीं तुझे डालना ही होगा। नहीं मैं नहीं डालूंगा। अरे बेटा संभल के चलो, देखो वहाँ पे कितनी गंदगी है। अरे हटाओ ना अपना ये डब्बा, क्या कर रहे हो? अकेला खा के छिलका यहीं डाल दिया आपने, जो डालना चाहिए आपको। सिर्फ एक हाथ बढ़ा तो दो हाथ हो गए, और फिर देखते ही देखते 100 हाथ, और कूड़े का नामो निशान मिट गया। उपभोक्ता और दुकानदार दोनों ने अपने कर्तव्यों को निभाया। जब एक बच्चा बदलाव ला सकता है, तो क्या आप और हम नहीं ला सकते? जरा सोचिए, एक कदम स्वच्छता की ओर। जागो ग्राहक।